बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल और करम से आप भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, और जितनी मेरी प्यारी बहनें और भाई हैं खैरियत से होंगे। और इसी दुआ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं जाएगा, एक गरीब इंसान की जो है ज़िंदगी बदल जाएगी। तो विगत आज बहुत मज़े की होने वाली है वीडियो, तो आपने हमारे साथ रहना है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में जो एक छोटी सी दुकानें होती हैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो भी आपसे शेयर करेंगे। और चलते हैं वो जो आपको दिखाते हैं, हमारी हमसाई की दुकान है। तो छोटा मोटे जो कपड़े हैं वो भी मिल जाते हैं, और छोटा मोटे ज़रूरतमंद की चीज़ें जो हैं वो भी मिल जाती हैं। और चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये अब मेरा ससुराल है, तो ये हमारा गांव है, तो आप देख रहे होंगे। और आगे से चलते हैं, हमारे जो दुकान है हमारे घर के साथ ही है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। वहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। और हमारी वीडियो के साथ रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी बस ये देखें, बहुत ही देर लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं इनको तोड़ रही हूँ। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो फिर चलते हैं आगे। तो अभी बस ये देखें, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है। और मेरे भाई जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी दो। चलते हैं, ये उनका घर जो है सामने आ चुका है, और उनसे कहते हैं कि हमें जो है वीडियो बनाने दे, और इनसे इजाज़त लेते हैं, और वीडियो बनाने देगी तो मैं चलूँगी, और अंदर जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपको दिखाऊँगी। अभी बस ये देखें, ये उनकी सब्जियां हैं, और ये जो है थूम के क्यारे हैं, और ये जो है पालक है। तो उन्होंने बहुत सब्जियां उगाई हुई हैं। तो फिर चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं दुकान के अंदर, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कपड़े भी हैं, तो चूड़ियाँ भी हैं, और ज्वेलरी का जो छोटा मोटा सामान होता है वो भी है। बारी बारी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये छोटे बच्चों की जो है चूड़ियाँ हैं, तो बड़ी क्यों भी हैं। अभी बस ये देखें, ये चूड़ियाँ हैं, और कपड़े भी हैं इनके पास, और ज्वेलरी भी वगैरह है, सब है चीज़ है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उधार भी इनसे ले जाते हैं। और जैसे कि सीज़न आता है कपास का और गंधम का, तो फिर हम
इनको दे जाते हैं तो हर चीज जो है हमें यहाँ से मिल जाती है। और ये हमारी हमसाई हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो व्यूअर्स, इनका जो है गुजारा चल जाता है और हमारा गुजारा भी चल जाता है इसी तरह। तो व्यूअर्स ये देखे, मैंने चूड़ियाँ आपको दिखा दी हैं, अब जो है कपड़े आपको दिखाती हूँ। ये देखे, बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पास कपड़े होते हैं, तो हम ले जाते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो व्यूअर्स ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हैं इनके कपड़े। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब गदम उगाएंगे तो हम आएंगे तो फिर पैसे हम इनको ले जाएंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इनके कपड़े जो है पसंद आते हैं, मैं वहाँ से ले भी जाती हूँ। कम से कम इनका 2-4 हज़ार मैंने दे उधार ली है इनसे, तो अब जो है इनको देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स अब जो है मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, वो एने भी मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, छोटा मोटा जो सामान होता है ज्वेलरी का वो भी मौजूद है। तो व्यूअर्स ये देखिए, बड़े बड़े ज्वेलरी भी इनके साथ जो है मौजूद है। दुकान वाली जो आती है मुझे कह रही है कि आप वीडियो में ये दुपट्टा पहन और दिखाओ, आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और मैं जो है आपको पहन कर दिखाती हूँ। बस ये देखिए, यहाँ से ये भी मिल जाती है, ज्यादा तो शादियों में ये पहने जाते हैं, तो यहाँ से मिल जाती है। बस ये देखें, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अपनी चूड़ियां बहुत अजीज हैं, तो वो संभाल के रख रहे हैं। मैं भी इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ ताकि व्यूअर्स कैसा लगा आपको हमारा शॉपिंग सेंटर। तो हम यहाँ से जो है खरीद चीज़ें जो है खरीद लेते हैं, मासी को जो है पैसे भी बाद में दे जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे घर के साथ ही है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपकी हमारी वीडियो, तो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है। और चलते हैं घर व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लोगों से शेयर किया करें और लाइक किया करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ दीदी।